अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद इमरान और आप देख रहे हैं इट्स एंटरटेनमेंट। आज की हमारी वीडियो है 90s के पीरियड में अपने डायलॉग्स, एक्टिंग और कॉमेडी से दिलों पे राज करने वाले खादर खान जी के ऊपर। और 90s के पीरियड में लोग उन्हें कॉमेडी किंग भी कहते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और उनकी लाइफ स्टोरी ऐसी है जो किसी को भी मोटिवेट कर दे। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड के नायाब हीरा खादर खान जी के बारे में। खादर खान 22 अक्टूबर 1937 अफगानिस्तान के शहर काबुल में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल रहमान था और माँ का नाम इकबाल बेगम, और उसके साथ उनकी फैमिली में तीन और भाई भी थे। लेकिन उनके माँ बाप के बढ़ते झगड़ों की वजह से बहुत ही जल्द उनके माँ बाप का तलाक हो गया और फिर उनकी माँ की ज़बरदस्ती शादी कराई गई। और शादी के बाद वो अपने नए परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ वो कमाठीपुरा में रहने लगे। और दोस्तों, उस समय खादर खान साहब का परिवार बेहद गरीब था। और फिर अपने घर को सपोर्ट करने के लिए खान साहब ने बचपन में ही मजदूरी करने का सोचा। और ये बात जब उनकी माँ को पता चली, उन्होंने खादर खान को समझाया कि बेटा, मजदूरी करने से घर की गरीबी और परेशानियां दूर नहीं होगी। अगर आपको सच में घर को सुधारना है तो आपको दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी। और इन बातों को खान साहब ने सीरियसली ले लिया और अपना पूरा दिल पढ़ाई में लगा दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही करीब के एरिया के म्यूनिसिपल स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से की, और फिर आगे चलकर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई की। और दोस्तों, आपको बता दें, उस वक्त के हिसाब से डिप्लोमा की डिग्री बहुत मायने रखती थी। और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद 1970 से लेकर 1975 तक एमएस साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर के तौर पर जॉब की। हालांकि खादर खान एक्टिंग में भी शुरू से दिलचस्पी रखते थे और इसीलिए उन्होंने एक बार ताश के पत्ते नाम के प्रोग्राम में कॉमेडियन के तौर पर अपना रोल प्ले किया। और फिर उनके शानदार एक्टिंग स्किल्स को देखकर वहां पे बैठे दिलीप कुमार ने अपनी अगली फिल्म सकीना 1947 और बैराग 1976 के लिए उन्हें साइन कर लिया। हालांकि ये दोनों ने पहले भी कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, लेकिन ये ऑफर उनके लिए थोड़ा बड़ा था। और दोस्तों, बताया जाता है खादर खान उर्दू और मैथ्स के काफ़ी अच्छे टीचर थे और उर्दू पर अच्छी पकड़ होने की वजह से उन्हें डायलॉग्स लिखने के ऑफर्स भी मिलने लगे। उन्होंने जवानी दीवानी प्रोग्राम से अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत की थी और यहीं से चलकर खान साहब ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में ज़बरदस्त एक्टिंग की और 250 फिल्मों में डायलॉग्स लिखे। हालांकि दोस्तों, खान साहब अपने शुरुआती वक्त में विलन का किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन कहा जाता है कि उनके बच्चों को खान साहब स्क्रीन पे मार खाते पसंद नहीं आते। और एक बार की बात है, हुआ कुछ यूं, उनका बेटा सरफराज स्कूल से लड़ाई करके घर लौटा और जब खान साहब ने लड़ाई का रीज़न पूछा, तब सरफराज ने जवाब दिया कि स्कूल में सब उसे विलन का और बुरे आदमी का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। और फिर इसके बाद खादर खान ने ये तय किया कि अब वो विलन के तौर पर काम नहीं करेंगे। और फिर 1983 की फिल्म हिम्मत वाला, 1985 की फिल्म आज का दौर से कॉमेडी की तरफ अपना रुख अपना लिया। और फिर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दूल्हे राजा, कोली नंबर वन, साजन चले ससुराल, अखियों से गोली मारे, चलो इश्क लड़ाएं, सुनो ससुरजी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी लाजवाब कॉमेडी का तड़का लगा दिया। और फिर हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद वो साउथ के नारायण राव और के राजविंदर राव और कई सारे फिल्म मेकर के साथ भी काम कर चुके हैं। और उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अजरा खान से शादी की, जिससे उन्हें तीन बच्चे हैं, सरफराज खान, शाहनवाज खान और खुद्दूस खान। और दोस्तों, बताया जाता है कि उन्हें अफगानिस्तान, इंडिया के अलावा कैनेडियन की भी नागरिकता प्राप्त थी। और खादर खान जी ने हज भी किया था और खादर खान को सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और फिर 31 दिसंबर 2018 ईयर्स की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, लीजेंड्स कभी भी मरते नहीं, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स
और हमारे चैनल इट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।